हेलो एवरीवन माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो दिस वीडियो इज फॉर अगेन ऑल द आई क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स हु विल बी अपियरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर एंड वो बच्चे भी जिन्होंने लास्ट ईयर ड्रॉप किया था आपको एक बहुत अच्छे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं द नेम ऑफ द कॉलेज इज बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ये कॉलेज है ये बिरला कंपनी आपके ने सुना ही होगा नाम बिरला नाम इंडिया में बहुत फेमस है ये उन्हीं का कॉलेज है विच इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको ऑफर करता है बीएससी एमएससी के कोर्सेज भी आपको ऑफर करता है सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया क्या है इसमें बिट्स का पेपर कैसे देते हैं बिट्स कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से हो सकता है वहां पे अगर आपको बीटेक करना है या बीएससी करना है तो कैसे एडमिशन होगा फीस के स्ट्रक्चर क्या होगा हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है पेपर Uh, कब होगा फॉर्म फिलिंग क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूँ बट इससे पहले हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ऑफ अप्रैल से अपने नए कोर्सेज जिसमें हम आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं सीयू के लिए आईपी मैट के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर बी टेक कॉलेजेस जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सो so, जो बिट्स है उसके तीन कॉलेजेस हैं बिट्स पिलानी बिट्स गोवा एंड दराबाद चौथा कॉलेज भी है बिट्स दुबई लेकिन दुबई कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो पूरा ही अलग है वो बिल्कुल अलग ही तरीके से जो बिट्स के तीन ब्रांचेस हैं पिलानी गोवा एंड हैदराबाद इनके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं सबसे पहले बात कर लें कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है देखो बिट्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक पेपर देना होता है पेपर इज बिट साट नाउ द फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट जो है अभी के लिए दैट इज इलेवेंथ ऑफ एप्रिल सो इलेवेंथ ऑफ अप्रिल को लास्ट डे है जिस दिन तक आप अपने फॉर्म्स भर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू गेट एडमिटेड टू बिट्स देन जो इसका पेपर है वो दो सेशन में इसके पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं सेशन वन विल बी फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट मे टू ट्वेंटी सिक्स मे एंड सेकेंड सेशन इज फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड जून टू ट्वेंटी सिक्स जून तो काफी तो तो टाइम है इसकी प्रिपरेशन करने के लिए और आपने अगर अपना बेसिक्स इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर ली थोड़ी सी बेहतरीन जेई के लेवल की थोड़ी बहुत अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो डेफिनेटली ये एग्जामिनेशन आप क्रैक कर लोगे और आपका ये कॉलेज में एडमिशन आराम से हो जाएगा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी मार्क्स आपके आने चाहिए पीसीएम मतलब हर सब्जेक्ट में कम से कम 60 नंबर आने चाहिए और टोटल तीनों को मिला के सेवेंटी परसेंट आने चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि आपके फिजिक्स में 50 नंबर आए और बाकी में आप 90 90 ले आए तो आप 75 परसेंट का क्राइटेरिया तो फुलफिल कर लोगे लेकिन सिक्सटी के क्राइटेरिया से बाहर हो जाओगे आई होप यू अंडरस्टूड दिस राइट देन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वाले बच्चे मतलब वो बच्चे जो प्रेजेंट में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं और वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं सिर्फ वही बच्चे अपीयर कर सकते हैं के के पेपर के लिए उससे पहले वाले साल के बच्चे अपियर नहीं कर सकते हैं या जो अभी क्लास इलेवेंथ में है वो भी अपियर नहीं कर सकते हैं देन पेपर का पैटर्न कैसा होता है वॉट इज द पेपर पैटर्न ऑफ बिट सैट तो पेपर पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के पेपर पैटर्न है यहां पर बस तीन सब्जेक्ट पीसीएम को छोड़

करेक्ट आंसर करेंगे तो प्लस थ्री मार्क्स मिलेंगे और इन करेक्ट आंसर करने पे माइनस वन मार्किंग होगी सो प्लस थ्री एंड माइनस वन तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है और अगेन स्पीड तो मैटर करती ही करती है यहां पे राइट right? उसके बाद अगर इसके फी स्ट्रक्चर को देखें तो फी स्ट्रक्चर क्या है भाई इसका अराउंड ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीज फॉर फोर इयर्स इंक्लूडिंग हॉस्टल हॉस्टल मिला के ट्यूशन फीस मिला के अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख रुपए लगेंगे चार साल में अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर ये तो बहुत सारा पैसा है हमारे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सो so इसका आंसर है अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं और अगर आपने ब्रिट्स आर्ट का पेपर निकाल लिया तो बैंक दौड़ दौड़ के आपको इसका लोन दे रहा होगा एजुकेशन लोन आपको आराम से मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है भाई वो जबरदस्त है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में जो इसका प्लेसमेंट हुआ था लाख पर एनम और पिछले, से पिछले साल दो हजार बाईस वाले जो बच्चे पास आउट है उसमें जो हाइएस्ट पैकेज था वो वन पॉइंट थ्री थ्री सीआर करोड रुपीज था साल का पैकेज जो एवरेज पैकेज जाता है इसका वो दैट इज अराउंड थर्टी पॉइंट सेवन पर एनम तो मतलब अगर आपने यहां पे यहां से इंजीनियरिंग कर ली तो आपका तीस लाख चालीस लाख का पैकेज लग जाएगा उसके बाद आप दो साल के अंदर आराम से इसका जो लोन है वो चुका सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम और उसके बाद जो आप करोगे वो अच्छा ही होगा एक चीज मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पैसा कम लगाएं अपनी इंजीनियरिंग पे अपने ग्रेजुएशन पे और हम पैसा बचा लें लेकिन होता क्या है कि अगर आप ज्यादा पैसा लगाते हो इंजीनियरिंग पे एक अच्छे कॉलेजेस एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए तो वहां से आपका जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है आर वो ज्यादा होता है मतलब आपका पैकेज भी अच्छा लगेगा आप साल दो साल में जो एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो वो रिकवर कर सकते हो और उसके बाद आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे पैकेज पे पहुंच सकते हो वेयर एज आपने कोई सस्ता कॉलेज लिया क्या मैं सोच रहा हूँ या मेरे पास पांच छह लाख ही है मुझे इतना ही लगाना है पांच छह लाख रुपए लगाए आपकी नौकरी लग रही है बीस हजार रुपये महीना तीस हजार रुपये महीना तो आपको इस पैकेज तक आने के लिए चार से पांच साल लगाने पड़ेंगे तो आपका वहां पे समय बहुत ज्यादा वेस्ट होता है उस लेवल तक आने के लिए ऐसा नहीं आप उस लेवल तक नहीं आओगे आप आ जाओगे लेकिन बहुत समय लगाना पड़ेगा सो so, उससे बेटर क्या है आप लोन ले लो लोन लेके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो अगर महंगा भी है तो अच्छा कॉलेज होना चाहिए अगर कॉलेज अच्छा है कोर्स अच्छा है तो आगे आने वाली जिंदगी आपकी जबरदस्त अच्छी हो जाएगी कोई टेंशन वाली बात नहीं है राइट सो so, ये है इसके फीस स्ट्रक्चर की बात अब इस कॉलेज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलती जैसे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है भाई कॉलेज जाओ ना जाओ हॉस्टल में बैठ के पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है बस तुमको पढ़ना है दूसरी चीज कोई रिजर्वेशन नहीं है नो रिजर्वेशन ओबीसी एस सी एस टी वीकर माइनॉरिटी सेक्शन कोई रिजर्वेशन नहीं है एवरी वन इज इक्वल सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है फिर जो इसका गोवा वाला कैंपस है वहां का जो हॉस्टल है भाई वो कोएड हॉस्टल है कोएड हॉस्टल शायद ही कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में जिसमें कोइड हॉस्टल होता है तो वहां पे कोएड होस्टल है मतलब वहां का जो एक्सपोजर है भाई गोवा में रह रहे हैं लोग गोवा में छुट्टियां मनाने जाते हैं इंजॉय करने जाते हैं वहां तुम्हारा कॉलेज होगा राइट तो वहां पर आप जिस एटमोस्फियर में पढ़ रहे हो जो एक्सपोजर आपको मिल रहा होगा वो माइंड ब्लोइंग होगा आपकी जिंदगी बदल देगा तो इसीलिए ये कॉलेज बहुत अच्छा है और इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया जो आप आई आई टीज में अगर आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं होता है तो अगर इस कॉलेज में भी हो जाता है तो आपको कभी भी मलाल नहीं होगा कि भाई मेरा आई आई टी में तो नहीं हुआ पर मेरा बिट्स में हो गया यू विल फील प्राउड अबाउट इट और इंडिया के ना जो बहुत बड़े बड़े ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं वो भी इसी कॉलेज से निकले हैं सो बहुत अच्छा कॉलेज है हाईली रिकमेंडेड इसका फॉर्म जरूर भर दीजिएगा बिना दिमाग लगाए बिना सोचे समझे क्योंकि ये कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी राइट right. तो ये बहुत सारे इसमें आ, क्या कहते हैं प्लस पॉइंट्स हैं इस कॉलेज में प्लस अगर आप स्टेट बोर्ड टॉपर हो या सीबीएसई बोर्ड टॉपर हो या आईएससी बोर्ड टॉपर हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है यू डोंट हैव टू गिव एनी टेस्ट यू डोंट हैव टू अपीयर फॉर डायरेक्टली यू कैन टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज बिल्कुल जाइए बस मार्कशीट दिखाइए भाई हम स्टेट टॉपर थे हम अपने सीबीएससी टॉपर थे हम आई टॉपर हैं आपका यहां पर एडमिशन हो जाएगा राइट right. तो ये रहा बिट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और बहुत सारे कॉलेजेस मैं और बहुत सारे कोर्सेज के वीडियोज लेके आऊंगा आपके लिए ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए कि भाई हम ट्वेल्थ के बाद क्या क्या कर सकते हैं प्लस क्लास इलेवेंथ uh, मार्च के बाद इलेवेंथ मार्च के बाद आई बी कंडक्टिंग अ फ्री काउंसलिंग करियर काउंसलिंग सेशन वेयर इन मैं पर्सनली आपके साथ बैठ के आपको करियर अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है आप क्या क्या कर सकते हो क्लास ट्वेल्व के बारे में इफ यूर आ साइंस स्टूडेंट कॉमर्स स्टूडेंट्स या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स तो उसका एक गूगल फॉर्म है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए अगर आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे तो आपके पास कॉल आएगा और हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे आपके करियर काउंसिलिंग सेशन के लिए दैट इज इट थैंक यू सो मच टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल बब बाय जय हिंद अपना अपना ख्याल रखिए बाय